मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम भी सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ रहे थे बेसल अंतर्वेशन, गॉस अंतर्वेशन और स्टर्लिंग अंतर्वेशन फॉर्मूला। उसके बाद आगे बात आती है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास संख्यात्मक समाकलन। संख्यात्मक समाकलन जिसमें कुछ मेथड है संख्यात्मक समाकलन के, सिम्पसन 1/3 मेथड, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 3/8। तो इन मेथड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मेथड के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र। समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र, तो भी सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र निकालेंगे। माना I बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है? समाकलन है। समीकरण नंबर 1 दे दिया आपने। माना Y बराबर एफ एक्स एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है जिसमें x के समदूरस्थ, x के समदूरस्थ मानों a बराबर एक्स नोट प्लस h, एक्स नोट प्लस 2h से लगाकर एक्स नॉट प्लस एन एच, जो कि किसके बराबर है? बी के बराबर है, के संगत एफ एक्स के मान ज्ञात है जिसमें बी माइनस ए को समान n भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिसके प्रत्येक भाग की चौड़ाई, जिसके प्रत्येक भाग की चौड़ाई x है, तब क्षेत्रकलन सूत्र से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होगा, एक की वैल्यू है एक्स नॉट, बी की वैल्यू एक्स नॉट प्लस एन एच, और एफ एक्स की वैल्यू वाई एक्स और डी एक्स। माना यू बराबर है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। यहाँ से आपके पास एक्स का मान क्या आया? एक्स नॉट प्लस यू एच। डी एक्स बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? एच डी यू। ठीक है भाई, एक्स बराबर आपने रखा एक्स नॉट तो क्या आया? यू बराबर जीरो। इसमें मान रखेंगे एक्स बराबर एक्स नॉट तो यू बराबर क्या आएगा? जीरो। एक्स बराबर एक्स नॉट प्लस एन एच रखा तो आपके पास वैल्यू आई यू इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। कैंसिल होगा एच से एच कैंसिल होगा, क्या बचेगा अपने पास? एन। अपने मान रखा ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू में चेंज हो गया जीरो टू एन वाई एक्स नॉट प्लस एन एच, और ये एच और डी यू, ये बराबर आई बराबर क्या आया? एच जो था वो कांस्टेंट बाहर, जीरो टू एन वाई एक्स नॉट प्लस एन एच और डी यू। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र पढ़ा था मैंने। न्यूटन ग्रेगोरी के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से आई इज इक्वल टू एच जीरो टू एन, इसका मान रखना है। ये क्या मान आएगा अपने पास?
वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल टू वाई नॉट से लगाकर ऐसे चलता जाएगा और डी यू हमें समाकलन करना है भाई इसका आई बराबर एच इसके लिए क्या तो यू वाई नॉट प्लस यू स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एज इट इज यहाँ पे यू स्क्वायर हो गया तो इसका समाकलन क्या होगा यू क्यूब अपॉन थ्री माइनस यू ये हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू डेल टू वाई नॉट से लगाकर चलता जाएगा ठीक है भाई लिमिट होगी जीरो टू एन लिमिट रखेंगे आई इज इक्वल टू एच सबसे पहले आपने रखा एन एन वाई नॉट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नॉट प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल टू वाई नॉट यदि आप जीरो लिमिट रखते हो तो ये सारा क्या हो जाएगा जीरो 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 कंप्लीट जीरो तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास और ये था समदूरस्थ कोटियों हेतु समान क्षेत्रकलन का सूत्र ठीक है भाई अब सब उसके बाद पढ़ेंगे अपन ट्रेविजोइडल नियम ट्रेपिजोइडल या समलंबीय नियम ट्रेपेजोइडल नियम का कथन क्या है हमारे पास एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच और वाई डी एक्स बराबर होगा एच वन बाय टू वाई नोट प्लस वाई एन प्लस y1 वन प्लस वाई टू से लगाकर वाई एन माइनस वन ये भाई ट्रेपेजोइडल का स्टेटमेंट है इसे अपन को प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं भाई क्षेत्रकलन का सूत्र हम जानते हैं अभी अभी प्रूफ किया है हम जानते हैं क्षेत्रकलन सूत्र से एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच इज इक्वल टू आई जो कि होता है किसके बराबर एच एन वाई नोट प्लस एन स्क्वायर बाई टू डेल वाई नोट प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एन क्यूब बाई थ्री माइनस एन स्क्वायर बाई टू डेल टू वाई नोट टू डॉट डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया आपने समीकरण नंबर एक में या समीकरण नंबर एक में n बराबर एक रखने पर तथा द्वितीय तथा उच्च क्रम के अंतरों को नगण्य मानने पर द्वितीय तथा उच्च कोटि के अंतरों को नगण्य मानने पर हमने लिखा x नॉट टू x नॉट प्लस एन एच वाई एक्स और डी एक्स एच वाई नॉट प्लस वन बाय टू डेल वाई नॉट प्लस बाकी सब क्या हो गया जीरो ये सब क्या होता जाएगा जीरो क्योंकि समीकरण क्या थी हमारे पास पीछे इसमें आपने एन बराबर एक रखा उच्च कोटि के जो दो से ज़्यादा के क्या मान लिया आपने नगण्य मान लिया तो सिर्फ यहाँ तक आएगा आपको मान ठीक है तो ये हो गया भाई क्या एच वाई नोट प्लस वन बाय टू डेल वाई नोट का मान क्या होता है वाई वन माइनस वाई नोट एच ये हो गया वाई नोट प्लस वन बाई टू वाई वन माइनस वन बाई टू वाई नोट यहाँ से आपको मिला क्या
एच बाई टू वाई नोट प्लस वाई वन, एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच वाई एक्स और डी एक्स। आप इसको दे रहे समीकरण नंबर दो। अच्छा थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ोगे आप, एक एच यानी एक्स नोट प्लस एच से लगाकर एक्स नोट प्लस टू एच, ठीक है। अच्छा एन की वैल्यू आपने वन रखी थी, एक्स नोट से एच तक की वैल्यू आ गई, एक एच और बढ़ा दिया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एच बाई टू वाई वन प्लस वाई टू, समीकरण नंबर तीन। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे क्या, एक्स नोट प्लस एन माइनस वन इंटू एच एक्स नोट प्लस एन एच वाई एक्स और डी एक्स, यह आएगा वाई एक्स और डी एक्स, एच बाई टू बाहर एज इट इज वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन, इक्वेशन नंबर फोर। समीकरण दो प्लस तीन प्लस चार को हल करने पर, यानी आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया इन समीकरणों को, जोड़ते जैसे समीकरण को जोड़ा आपने, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एच वाई एक्स डी एक्स प्लस एक्स नोट प्लस एच से लगाकर एक्स नोट प्लस टू एच वाई एक्स डी एक्स से एक्स नोट प्लस एन माइनस वन एच एक्स नोट प्लस एन एच तक, ये हो जाएगा वाई एक्स और डी एक्स। बराबर में क्या मिला हमें, एच बाई टू कॉमन आ गया। देखो भाई इन सबको ऐड करते हैं, एच बाई टू वाई नोट एक सिंगल है, यहाँ पे वाई एन एक सिंगल है, तो ये आ जाएगा क्या, वाई नोट प्लस वाई वन। अच्छा पहले पूरा लिख देते हैं, प्लस वाई वन प्लस वाई टू से लगाकर वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। सिंगल क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास, सभी लिमिट को एक साथ रखेंगे तो एक्स नोट टू एक्स नोट प्लस एन एच वाई एक्स और डी एक्स, एच बाई टू कॉमन है, वाई नोट और वाई एन जो है वो सिंगल टर्म है, तो वाई नोट प्लस वाई एन, बाकी सब क्या है डबल, टू इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस से लाकर वाई एन माइनस वन तक। तो ये जो अपना मेथड था, ये जो फॉर्मूला था, ये किस पे था, ट्रेपेजोइडल या समान लंबी है सूत्र क्षेत्रकरण का। मैं इसके ऊपर एक ट्रेपेजोइडल नियम जो पढ़ा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेपेजोइडल नियम द्वारा निम्न का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, e की पावर x dx, लिमिट है 0.2 टू 1.4, जबकि h यानी अंतराल का अंतर आपको दिया हुआ है 0.1, मतलब 0.11 के डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, इसके सारणी बनानी है, इसका मान निकालना है, और इस जो भी मान आपके पास आता है इस मान की यथार्थ मान से तुलना भी करनी है। तो भी एक टेबल बनाते हैं अपन, फिर हम कैलकुलेटर के माध्यम से एक टेबल तैयार करेंगे। एक्स के मान जो हो सकते हैं वो एक्स नोट से लाकर, जैसे आपका एक्स नोट का मान क्या है यहाँ पर, एक्स नोट इज इक्वल टू 0.2, और एक्स नोट प्लस एन एच का मान हाईएस्ट लिमिट क्या है 1.4, एच का मान 0.1। इसका मतलब सबसे पहला मान है हमारे पास 0.2 एक्स नोट का, फिर एक्स वन का मान 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 और मैक्सिमम वैल्यू 1.4। अच्छा कैलकुलेटर के माध्यम से एक ही पावर या एक्स नोट का मान क्या है अपने पास, एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एक्स एट एक्स नाइन एक्स टेन एक्स इलेवन एक्स ट्वेल्व, ठीक है भाई। अब अगर आप e की पावर 0.2 की वैल्यू निकालते हो तो आती है 1.22140। तो देखिए भाई e की पावर हमें निकालनी है 0.2
टू की वैल्यू, क्योंकि पॉइंट टू, पॉइंट टू की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1.22140। इसी प्रकार से सारी कैलकुलेशन निकालते हैं तो भी हमारे पास एक सारणी तैयार हो गई जिसमें एक्स नॉट से लगाकर एक्स ट्वेल्व तक के मान हैं सभी। कैलकुलेटर के माध्यम से ये सभी मान निकालेंगे हम। अब ट्रेपेजॉइडल नियम जो पढ़ा था उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। ट्रेपेजॉइडल नियम जो था भाई हमारे पास, अभी हम अपन ने नियम की उत्पत्ति की थी, एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एन एच वाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच वन बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस वाई वन प्लस वाई टू से लाकर वाई एन माइनस वन तक। ठीक है भाई, तो आप इसमें मान रखेंगे x नॉट की वैल्यू थी 0.221.4 e की पावर x dx, h की वैल्यू कितनी है 0.1, अच्छा भाई 1/2 एज इट इज़। y नॉट की वैल्यू 1.22140 प्लस 4.05519 जी जो y, एंड यानी y12 की वैल्यू जो भी लास्ट में एलिमेंट था उसकी वैल्यू हो गई हमारे पास ये, प्लस y1 से लगाकर y11 तक की वैल्यू। फिर लिखिए अपन ने क्या, 1.34985 प्लस 1.491182 प्लस 1.64872 प्लस 1.82211 प्लस 2.01375 प्लस 2.22554 प्लस 2.45980 प्लस 2.71828 प्लस 3.00416 प्लस 3.32011 प्लस 3.66929। तो इन सभी को अगर आप सॉल्व करते हो तो 0.1 बाहर एज इट इज़, इन दोनों का टोटल किया आपने तो ये आएगा कितना मेरे पास, सभी को सोल्व करने के बाद इन दोनों को कैलकुलेटर के माध्यम से सोल्व किया तो ये हमारे पास आया 1/2 इंटू 5.27659 प्लस इन सभी को बाकी के एलिमेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, सारे को सोल्व किया उनका मान आया भाई हमारे पास 25.72343 0.1, इसको आपने सॉल्व किया तो आएगा 2.638295 प्लस 25.72343, इसमें ऐड किया 2.638295 ये आ गया अपने पास 0.1 इंटू 28.36155 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2.836155। ये फिर आप इसे कह सकते हो कितना 2.9 लगभग, ये किसका मान निकला 0.22 1.4 e की पावर x और dx का मान। ठीक है भाई, इसी प्रकार से जो ये था मेथड ट्रेपेजॉइडल नियम, इसके और क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 एक्सेट्राज। सो गाइस थैंक यू।